तो बच्चों नमस्कार। ठीक है सभी बच्चे? ओके। तो बच्चों आज हम हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे क्योंकि हमारा व्याकरण का पोर्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा है। व्याकरण में हमने दो चैप्टर पढ़े हैं, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। किसी भी भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कौन करवाता है? ग्रामर करवाता है, व्याकरण करवाता है। ठीक है, अब व्याकरण के विभाग बताए थे मैंने आपको। व्याकरण के तीन विभाग बताए थे, कौन कौन से हैं? पहला बताया था मैंने आपको वर्ण विचार, फोनोलॉजी, दूसरा शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, और तीसरा वाक्य विचार, सिंटैक्स। तो वर्ण विचार हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम इस पीरियड के दौरान पढ़ेंगे हम शब्द विचार। ठीक है ना, शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। शब्द विचार में ये देखो यहाँ पे लिखा है शब्द विचार, शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द के भेद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ये चार आपकी कक्षा छठी के लिए चार इसके जो है शब्द के भेद किए गए हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, विकार के आधार पर, शोध के आधार पर अलग अलग उनको दिया गया है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे आगे, चलो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे इसको और समझेंगे।